दोस्तों, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं यानी कि मेडिकल को लेकर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग में रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर में कुछ स्टडी कर रहे हैं, या फिर बैंक रिलेटेड फाइनेंशियल कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ ज़बरदस्त स्कॉलरशिप। यहाँ पर एक स्कॉलरशिप है जिसका नाम है KVB प्रोग्राम है स्कॉलरशिप। इसके रिगार्डिंग जो है देखें तो 1,00,000 रुपये आपको पर एनम जो है यहाँ पर मिलने की संभावना यहाँ पर जो है बताई जा रही है स्कॉलरशिप। तो इसके रिगार्डिंग आज बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जब स्किप मत कीजिए। एक एक पॉइंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको सिंपली यहाँ पर आना है ब्राउज़र में, अपने यहाँ पर आके आपको बडी फॉर स्टडी यहाँ पर सर्च करना है। पहला वेबसाइट मिलेगा, ये इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म है, ठीक है। या फिर आपको एजुकेशन लोन लेना तो लोन भी यहाँ से आप ले सकते हैं। यहीं से जो है आपको फॉर्म फिलिंग का भी काम करना है, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जो भी डिटेल है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आकर के आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं KVB स्कॉलरशिप प्रोग्राम निकाला गया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। इसमें देखेंगे तो कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जो फर्स्ट ईयर UG स्टूडेंट है, अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका फर्स्ट ईयर है, ठीक है ना। वॉक ऑन टू न्यू करियर जोन, ये इसका जो है थॉट है, ठीक है। KVP स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25। और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको यहीं पे जो है अप्लाई बटन दिया हुआ है, हर जगह आपको अप्लाई बटन दिया जाएगा। नीचे आएंगे तो नीचे भी आपको अप्लाई बटन दिया है, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। अब इसके रिगार्डिंग थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पर अबाउट द प्रोग्राम है, प्रोग्राम के रिलेटेड जो भी यहाँ पर किस तरीके से निकाला गया है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर जो है बताया गया, तो वो जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं आप लोग। बाकी नीचे अगर आप आएंगे तो एलिजिबिलिटी आपको बोला गया है कि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर आप इंजीनियरिंग के रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर आर्ट साइंस स्टूडेंट है, तो उन साइंस वालों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। बैंक रिलेटेड फाइनेंशियल कोर्स कर रहे हैं, या फिर इमर्जिंग डिसिप्लिन सच जैसे AI एंड मशीन लर्निंग, तो आप इसमें जो है अप्लाई आसानी से कर पाएंगे। फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया, देखो ये ऑल इंडिया है, यहाँ पर आपको अक्रॉस इंडिया बोला गया है, तो आप इसमें जो है एलिजिबल हैं। बाकी नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप रेसिडेंट यहाँ के हैं तो इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम 60% इन द प्रीवियस क्लास। अब यह फर्स्ट ईयर में, लास्ट ईयर मान लीजिए 12th में थे, तो आपका यहाँ पर 12th में 60% मार्क्स मिनिमम आया है, तो जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट एंड फैमिली एनुअल इनकम जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पर आप फैमिली एनुअल इनकम देखें तो 6,00,000 रुपये से जो है यहाँ पर कम होना चाहिए, 6,00,000 रुपये क्रॉस नहीं होना चाहिए। बाकी चिल्ड्रन ऑफ करू विस्या बैंकिंग एंड बड़ी फॉर स्टडी आर इन एलिजिबल, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स आर नॉट कवर्ड अंडर दिस स्कॉलरशिप, यहाँ पर जो सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स होता है वो इस स्कॉलरशिप में जो है यहाँ पर नहीं जो है जोड़ा गया है, ठीक है। ओनली स्टूडेंट एनरोल इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज आर एलिजिबल। मल्टी ईयर स्कॉलरशिप, यहाँ पर 1,00,000 रुपये आपको पर एनम मतलब पर ईयर जो है आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है यहाँ पर। बाकी डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा अप्लाई करने के समय पर, ये आपको बोले गए गवर्नमेंट इशूड ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये सब जो है आपके पास होना चाहिए। फिर इसी आपके पास है इंस्टीट्यूट आइडेंटिटी कार्ड है, बोनीफाइड सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। 10th 12th मार्कशीट आपको लगने वाला है। सेल्फ अटेस्टेड फैमिली एनुअल इनकम जो होता है 6,00,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। सैलरी स्लिप आपको देना है, लेटर देना है, एक गवर्नमेंट ऑथोराइज ऑफिशियल पेरेंट्स फॉर्म 16, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट आपको देना है, बैंक अकाउंट डिटेल आपको देना है, पेरेंट्स का भी दे सकते हैं आप लोग, रिसेंट फोटोग्राफ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, अच्छा सा पासपोर्ट साइज फोटो को आपको अपलोड करना है, सब ऑनलाइन अप्लाई करने के समय तो सब रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है आपको बताया गया है, बाकी अप्लाई का बटन दिया हुआ यहीं से जो है अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे आपको अप्लाई करने का थोड़ा बहुत प्रोसेस जो है बता देता हूँ, ऐसे जो है अप्लाई देख लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या, सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है,
पासवर्ड एक तगड़ा सा बनाना है और फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में जो सिंपली अपना जो डिटेल होता है छोटा मोटा, फादर नेम, मदर नेम, अपना नेम, उस आपको डालना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको प्रीव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। प्रीव्यू देने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको फॉर्म भरा जाएगा। इस तरीके का जो है कुछ प्रोसेस है। KVB के द्वारा जो है ये स्कॉलरशिप जो है निकाले गया है। ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, अप्लाई करिए। इसके अंदर अप्लाई करने में कुछ जो है यहाँ पर समस्या आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि अप्लाई करने पर हम पहले भी ही वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो आप देखिए और अप्लाई करिए, ठीक है। बड़ी फोर स्टडी के द्वारा जो भी स्कॉलरशिप बताया जाता है और जो भी स्कॉलरशिप कोई भी कंपनी के द्वारा निकाला जाता है, तो वो यहाँ पर शो किया जाता है। और इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस जो है सभी स्कॉलरशिप के लिए सेम ही रहता है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय।